नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवंत राय, आप देख रहे हैं मेरा चैनल संजीवन एंड कंपनी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडोज के कितने सेक्शंस आते हैं, कितने प्रकार के सेक्शंस आते हैं, और वीडियो को पूरा देखें। मैं प्राइस भी बताऊंगा आपको कि हर सेक्शंस के क्या प्राइजेज होते हैं, ये भी साथ में बताऊंगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सेक्शन की, जो सबसे पतला सबसे लाइट सेक्शन आता है उससे, तो वो है 18mm x 40mm सीरीज, जिंदाल की 18mm x 40mm सीरीज। इसको लेमन टर्म्स में या मिस्त्री के भाषा में पौने का विंडो भी कहा जाता है। तो जहाँ पे भी आपको अगर थोड़ा बजट में थोड़ी सस्ती विंडो बनानी है या फिर विंडो की साइज़ थोड़ी छोटी है, तो वो उस जगह पे हम इन सेक्शंस का यूज़ करते हैं। जैसे 18mm x 40mm सीरीज, इसको पौने का विंडो बोलते हैं, ये उस जगह पे यूज़ होता है। इसमें 5mm 6mm के ग्लास लग सकते हैं। ये हो गई बात सबसे बेसिक सेक्शंस की। अब इसके ऊपर वाला जो सेक्शन आता है वो है 25mm x 50mm सीरीज का सेक्शन, जिसे हम 1 इंच का भी सेक्शन कहते हैं। मिस्त्री लोग जो हैं उसको 1 इंच का सेक्शन कहते हैं, और वो 25mm x 50mm सीरीज का सेक्शन होता है। जो ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ के विंडोज़ आप 7 फुट हाइट तक के विंडोज़ या फिर फ्रेंच विंडोज़ आप बना सकते हैं, फ्रेंच स्लाइडिंग विंडोज़ इस सेक्शंस में बना सकते हैं अगर आपको बजट प्राइस में बनाना है तो। ये रेगुलर सेक्शन है, ये भी काफ़ी ड्यूरेबल सेक्शन है और प्राइस इसकी बजट है। इसके ऊपर जो सेक्शन आता है वो है 25mm x 65mm सीरीज़। तो जो ये 25mm x 65mm सीरीज़ है, इसमें और 25mm x 50mm में डिफरेंस ये है कि दोनों में जो 25mm x 65mm का हैंडल है वो थोड़ा सा राउंडेड होता है, और उसके जो इंटरलॉक्स होते हैं वो फ्लश इंटरलॉक्स होते हैं। जैसे कि साउंडप्रूफ विंडोज़ में जैसे इंटरलॉक्स होते हैं, वैसे 25mm x 65mm सीरीज के इंटरलॉक्स होते हैं, और 25mm x 50mm में रेगुलर इंटरलॉक होता है। बाकी जो ट्रैक है दोनों सेक्शंस में सेम लगते हैं। अब 25mm x 65mm का जो सेक्शन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, इसकी वॉल थिकनेस भी काफ़ी मोटी होती है, और इन सेक्शन में आप कहीं पे भी जो फ्रेंच विंडोज़ है वो कितनी भी बड़ी विंडो हो, 7 फुट या 8 फुट के हाइट की विंडो हो या 9 फुट के हाइट की विंडो हो, आप ये 25mm x 65mm की सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये जो है इसका कंपेरिजन आप डायरेक्ट साउंड प्रूफ विंडोज़ के सेक्शन से कर सकते हैं। अब 25mm x 65mm के ऊपर जो सेक्शंस आते हैं वो रेगुलर से थोड़े हटके सेक्शंस हैं, तो उसमें जो बेसिक शुरुआत होती है वो होती है 30mm x 65mm सीरीज से। 30mm x 65mm सीरीज जो है उसमें आपको डबल ग्लेज का भी ऑप्शन मिलता है और सिंगल ग्लेज का भी ऑप्शन मिलता है। तो 30mm x 65mm सीरीज अपने आप में काफ़ी ड्यूरेबल और काफ़ी हैवी सीरीज़ है, इसकी बैरिंग्स भी काफ़ी हैवी आती है। तो ये जो 30mm x 65mm सीरीज़ के सिंगल शटर है, इसमें आप 5mm, 6mm, 8mm के ग्लास आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो डबल ग्लेज सीरीज़ आती है उसमें आप 20mm तक के थिकनेस के ग्लास यूज़ कर सकते हैं, 15mm से 20mm, बट रिकमेंड करेंगे कि 19mm थिकनेस का ग्लास आप यूज़ करिए। 15mm थोड़ा पतला हो जाता है और 20mm का ग्लास थोड़ा मोटा हो जाता है, 19mm काफ़ी परफेक्ट बैठता है। तो 19mm का ग्लास आप 30mm x 65mm की सीरीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब 30mm x 65mm के बाद में जो सेक्शन आता है वो जिंडाल की डिलक्स सीरीज़ आती है, जिसको लोग डोमाल भी कहते हैं। तो जिंडाल की जो डिलक्स सीरीज़ है वो आती है 27mm x 65mm सीरीज़ की। एक बेसिक जो सीरीज़ है वो 27mm x 65mm सीरीज़ है। 27mm x 65mm सीरीज़ में सिंगल ग्लास का भी ऑप्शन होता है और डबल ग्लेज का भी ऑप्शन होता है। तो जो सिंगल ग्लेज का ऑप्शन है उसमें भी वही 5mm, 6mm, 8mm का ग्लास बैठ सकता है, रिकमेंडेड 5 या 6mm है, क्योंकि 8mm के लिए गैस्केट जो है वो एकदम फिट मिले नहीं भी मिले वो चांसेस होते हैं, प्रोजेक्ट का काम है तो आप बनवा सकते हैं गैस्केट। बाकी जो 27mm x 65mm का डबल ग्लेज्ड सीरीज़ है उसमें जैसे 30mm x 65mm के डबल ग्लास हैं वही थिकनेस के ग्लास लग सकते हैं, 15mm, 19mm, 20mm के ग्लास लग सकते हैं। तो इसमें भी रिकमेंडेड है कि आप 19mm का ग्लास यूज़ कीजिए, क्योंकि 19mm के ग्लास में गैस्केट जो है वो परफेक्टली बैठता है।
और 20 mm के ग्लास में वो थोड़ा टाइट हो जाता है गैस्केट, और 15 mm जो है वो थोड़ा लूज हो जाता है। और 27 mm बाई 65 mm से बेटर सेक्शन जो है वो है 35 mm बाई 75 mm का। 35 mm बाई 75 mm की जो डिलक्स सीरीज है, जिसको डोमाल भी बोलते हैं, तो ये जो सीरीज़ है ये सबसे हैवी सीरीज़ है। इसकी वॉल थिकनेस बहुत मोटी आती है, काफ़ी हैवी वॉल थिकनेस आती है। और ये हम रिकमेंड करते हैं कि आप जहाँ पे हाइट 10 फुट की हाइट हो, या बड़े बड़े शटर्स आपको बनाने हो, फ्रेंच विंडोज बनानी हो बड़ी बड़ी शटर्स की, तो वहाँ पे आप ये यूज़ कीजिए। या फिर हाई राइज बिल्डिंग है, काफ़ी ऊँचे फ्लोर्स पे आप लगा रहे हैं विंडोज़, तो वहाँ पे भी हम 35x75 रिकमेंड करते हैं कि आप 35x75 सीरीज यूज़ कीजिए। 35mm बाई 75mm के सिंगल ग्लास सीरीज में वही 5mm, 6mm और 8mm के ग्लास लगते हैं। इसमें भी रिकमेंडेबल 5mm और 6mm के ग्लास हैं, क्योंकि गैस्केट सही बैठता है। 8mm के लिए रेडिली अवेलेबल गैस्केट नहीं मिलता है, तो उसमें आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। और डबल ग्लेज की जो सीरीज़ आती है 35mm बाई 75mm की, उसमें जो ग्लास की थिकनेस है वो 24mm तक की थिकनेस लग सकती है। तो आप 15mm का भी ग्लास ले सकते हैं, 19mm का भी ले सकते हैं, 20mm का भी ले सकते हैं, और 24mm का भी ले सकते हैं। तो वैसे तो यूज़ के हिसाब से जहाँ 35mm पर 75mm की सीरीज़ लगने वाली है, तो हम तो रिकमेंड करेंगे कि आप 24mm का ग्लास लगाइए। तो बात करते हैं प्राइस की। अब मैं जो प्राइस आपको बताने वाला हूँ, ये सारे इन्हीं जिंडाल सेक्शंस के प्राइजेज हैं, और स्टैंडर्ड हार्डवेयर के साथ में, जैसे कि नायलॉन टेफ्लॉन कोटेड बेयरिंग्स हैं, और नियोप्रिन रबड़ है जो कि जिसकी लाइफ 10 से 15 साल की लाइफ होती है रबड़ की, और कोटिंग जो है वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी की कोटिंग है, जैसे कि 15 माइक्रोन का एनोडाइजिंग है जो कि काफ़ी ड्यूरेबल होता है, और अगर पाउडर कोटिंग है तो वो कम से कम उसकी 8 साल 10 साल की गारंटी है। तो इन चीज़ों को कंसिडर करके मैं आपको एक प्राइसिंग बताने वाला हूँ, जिसमें ग्लास मैंने 5mm क्लियर थिकनेस विदाउट टफन कंसिडर किया हुआ है। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इन चीज़ों की क्या प्राइसिंग है, इन सेक्शंस की प्राइसिंग क्या है। तो सबसे बेसिक सेक्शन की जो प्राइस है 18mm बाई 40mm सीरीज, उसकी प्राइस स्टार्ट होती है ₹280 पर स्क्वायर फीट से। उसके बाद आता है 25mm बाई 50mm का सेक्शन, तो इसकी प्राइसिंग जो स्टार्ट होती है वो है ₹350 पर स्क्वायर फीट से। 25mm बाई 50mm सीरीज के ऊपर जो सेक्शन आता है वो है 25mm बाई 65mm सीरीज का सेक्शन, तो इसकी जो प्राइसिंग है वो 390-410 के बीच में वेरी करती है। क्या साइज़ का विंडो है, कितने नंबर ऑफ पैनल्स हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है प्राइसिंग। इसके ऊपर जो सेक्शन आते हैं वो 30mm बाई 65mm के सीरीज़ के। तो जो 30mm बाई 65mm का सिंगल ग्लास सीरीज़ है, इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ती है ₹500 पर स्क्वायर फीट। और यही चीज़ अगर आप साउंडप्रूफ विंडोज़ में जाते हैं, 30mm बाई 65mm की जो डबल ग्लेस सीरीज़ है, तो उसकी प्राइसिंग आपको अप्रॉक्सीमेटली ₹650 पर स्क्वायर फीट पड़ती है। फिर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का ग्लास ले रहे हैं, या कितने थिकनेस का ग्लास ले रहे हैं, या कितने बड़े पैनल्स हैं, कितनी बड़ी विंडो है, कितने नंबर ऑफ पैनल्स हैं, कौन से टाइप की कोटिंग्स हैं। फिर 30mm बाई 65mm के बाद में सेक्शंस आते हैं डीलक्स सीरीज़। तो डीलक्स सीरीज़ की जो प्राइसिंग है 27mm बाई 65mm के सिंगल ग्लास की, तो उसकी प्राइसिंग आपको करीब पड़ती है ₹550 पर स्क्वायर फीट। और यही अगर आप डबल ग्लेज में चले जाएं, तो ये आपको करीब ₹720 पर स्क्वायर फीट के आसपास में प्राइसिंग पड़ती है। और बात करें 35mm बाई 75mm के सिंगल ग्लास सीरीज़ की, तो इसकी प्राइसिंग आपको पड़ जाती है करीब ₹650 पर स्क्वायर फीट। और इसी में अगर आप डबल ग्लेज जा रहे हैं, तो वो 750-800 पर स्क्वायर फीट तक जो प्राइस है वो वेरी करती है कि आप क्या थिकनेस का ग्लास ले रहे हैं। ये सारी जो प्राइसिंग मैंने आपको बताया, ये सब बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं प्राइसिंग को तय करने के लिए, जैसे कि आप कौन से टाइप की कोटिंग सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन से टाइप का ग्लास सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन से टाइप का हार्डवेयर सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी प्राइसिंग जो है वो प्राइसिंग कम भी हो सकती है इससे, और बढ़ भी सकती है। अगर आप जिंदाल ना लेके कोई दूसरा सस्ता ब्रांड लेते हैं, जिसमें एलॉय जो है वो ज़्यादा होता है और एल्युमिनियम कम होता है, तो आपको उन सेक्शनों की जो उन विंडोज़ की प्राइसिंग है वो आपको काफ़ी सस्ती भी पड़ सकती है।